गाइस, आई एम वैशाली गिगान फ्रॉम वैशाली जी लर्निंग और हम लोग हैं डिजिटल सर्किट प्लेलिस्ट के अंदर। हम लोग बात कर रहे थे बूलियन अलजेब्रा के बारे में एंड इन द लास्ट क्लास हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स देख लिए थे बूलियन अलजेब्रा के ऊपर। आज हम देखने वाले हैं कैसे हम बूलियन अलजेब्रा के पोस्टुलेट्स और थ्योरम को यूज कर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बूलियन एक्सप्रेशन है तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो हमने लास्ट क्लास में ही कुछ थ्योरम्स ली थी जिसका मैंने आपके बाद आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में इनको सिंप्लीफाई कर दिखाऊंगी। सो वी हैव ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, ए डॉट ए बार प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। सो ये चारों एक्सप्रेशंस मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी बट इनको वेरीफाई नहीं करा था। अभी हम इनको वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशंस को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सप्रेशन ए प्लस ए बी। सो ए प्लस ए बी क्या है हमारा? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया, ए को कैसे लिखा हमने? ए को लिख सकते हैं ए डॉट वन राइट प्लस ए बी राइट। सो ए डॉट वन प्लस ए बी है यहाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए को कॉमन ले सकते हैं और डॉट कर यहाँ पर ए डॉट बी है, यहाँ ए डॉट वन है। ए डॉट को कॉमन ले लिया हम, हमारे पास बचेगा वन प्लस बी राइट। सो ये क्या है? ये रिवर्स ऑफ दिस ओपनिंग ऑफ द ब्रैकेट है राइट। सो हमने क्या करा है, ए डॉट वन प्लस बी हम जानते थे, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ए डॉट वन प्लस बी क्या होना चाहिए, ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी। सो इसी का ही हमने रिवर्स ले लिया, हमारे पास ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी था, उसका रिवर्स कर हमने ए डॉट वन प्लस बी लिख दिया राइट। अब वन प्लस बी क्या होएगा? वन प्लस एनी वेरिएबल, बी को अगर जीरो लो या वन लो तो वन ही आएगा। सो ए डॉट वन बचता है हमारे पास जो कि है ए, तो ये हो जाएगा हमारा आर एच एस के इक्वल राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डॉट ए प्लस बी, ए डॉट ए प्लस बी क्या है हमारा? लेफ्ट हैंड साइड राइट। सो ए डॉट ए प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी राइट। सो ए डॉट ए क्या होएगा? ए डॉट ए विल बी इक्वल टू ए ओनली राइट। सो ए डॉट ए अगर ए के इक्वल है तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए डॉट बी। ए प्लस ए डॉट बी क्या था? ये तो ए के इक्वल था, तो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ए के इक्वल, और या आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मैंने आपको प्रोसीजर बता ही दिया है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, ए प्लस ए बार बी। सो ए प्लस ए बार बी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। सो यहाँ पर हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया जो कि है ए प्लस ए बार बी, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। सो ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी का मैंने आपको एक्सप्रेशन याद करवाया था लास्ट क्लास में, मैंने स्टार मार्क भी करवाया था। ए प्लस बी सी क्या होता है? ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी राइट। सो सिमिलरली यहाँ पर ए प्लस ए बार बी है, ए प्लस ए बार बी को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए बार डॉट ए प्लस बी राइट। नाउ ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार क्या होएगा? ये भी लास्ट क्लास में हमने देखा था थ्योरम, ए प्लस ए बार हमेशा वन के इक्वल होएगा राइट। सो यहाँ पर वन पुट करते हैं, वन डॉट ए प्लस बी, वन डॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा? वन का जब भी डॉट करेंगे किसी भी वेरिएबल के साथ वी विल गेट ए प्लस बी, वेरिएबल ओनली। सो ये है हमारा आर एच एस के इक्वल राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, वी हैव ए डॉट ए बार प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। सो इसे कैसे लिख सकते हैं? एक्सपेंड करा, ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ए डॉट ए बार क्या होता है? ए डॉट ए बार इज इक्वल टू जीरो, ये तो हमने कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी देखी थी। सो जीरो प्लस ए डॉट बी, जीरो को ऐड करेंगे ए डॉट बी में तो हमारे पास क्या आएगा? ए डॉट बी ओनली। सो जो कि हो गया हमारा आर एच एस के इक्वल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है? ए प्लस बी, ए प्लस बी बार ए प्लस सी। तो यहाँ क्या करेंगे हम? सबसे पहले से एक्सपेंड करेंगे, पहले दो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी बार से। ए को मल्टीप्लाई करा ए से ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी बार। सिमिलरली हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी बार मल्टीप्लाइड विद ए प्लस सी राइट। मैं सारे स्टेप्स दिखाऊंगी, अगर आपके लिए कुछ स्टेप्स ऑब्वियस हैं आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। ए डॉट ए क्या हो जाएगा? ए प्लस ए डॉट बी बार, बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए डॉट बी, बी डॉट ए डॉट बी के इक्वल है। प्लस बी डॉट बी बार क्या हो जाएगा? बी डॉट बी बार हो जाएगा जीरो इंटू ए प्लस सी।
जीरो प्लस एनीथिंग, जीरो प्लस वेरिएबल क्या था, वेरिएबल ओनली, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एक वेरिएबल से ही से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी मल्टीप्लाइड विद ए प्लस सी, राइट। सो अब क्या करा हमने, ए को कैसे लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं हम ए डॉट वन, वन वन क्या था, आइडेंटिटी था, राइट, डॉट के लिए, तो ए को ए डॉट वन लिख सकते हैं प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी मल्टीप्लाइड विद ए प्लस सी, राइट। सो अब यहाँ पर से क्या करेंगे हम, ए को कॉमन ले सकते हैं, ए को कॉमन लिया डॉट लगा दे तो बचेगा क्या, वन प्लस बी बार प्लस बी डॉट ए प्लस सी। अब यहाँ पर हमें पता है वन के साथ कोई भी वेरिएबल ऐड करेंगे, वन प्लस बी बार प्लस बी क्या हो जाएगा, वन ओनली, राइट। सो वन प्लस बी बार प्लस बी वन है, ये आइडेंटिटी पुट करी तो हमारे पास क्या बचेगा, ए डॉट वन मल्टीप्लाइड विद डॉट ए डॉट ए प्लस सी, राइट। तो यहाँ ए डॉट वन हो जाएगा डॉट ए प्लस सी। सो ए डॉट वन क्या होता है, ए डॉट ए प्लस सी, राइट। सो अब इसको फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सपेंड करा ए डॉट ए आ गया प्लस ए डॉट सी, राइट। सो ए डॉट ए क्या होता है, ए ए प्लस ए सी, राइट। सो ए प्लस ए सी क्या होएगा, ए होएगा, बट इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, ए को कैसे लिखेंगे, ए डॉट वन प्लस ए डॉट सी, राइट। सो ए को ए डॉट वन लिख सकते हैं हम, आइडेंटिटी है वन और डॉट के लिए आइडेंटिटी है वन, सो हम क्या करेंगे, ए को कॉमन ले लेंगे डॉट वन प्लस सी, वन प्लस सी क्या हो जाएगा, वन प्लस सी हो जाएगा, वन ओनली, सो हम हमारे पास बचेगा ए डॉट वन जो कि होता है ए। सो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा ए। तो ऐसे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आपको एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिल सकता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई होप अगर आपको ये सेशन पसंद आया, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे एंड ऑल्सो यू विल गिव मी योर फीडबैक। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आर मोबाइल ऐप वैशाली जी लर्निंग फ्रॉम प्ले स्टोर एज वेल। थैंक यू सो मच।